हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज के सेशन में एसबीआई पीओ प्री 2018 के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वांट का पार्ट वन होगा। इसमें 1 जुलाई 2018 को जो 4 शिफ्ट के पेपर्स हुए हैं उन्हीं के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और इसके पीछे मेन मोटिव है कि आपको एक तो डिफिकल्टी लेवल पता चले, एक अब की बार से काफी कुछ चेंजेस कर दिए एग्जाम में। प्री में वो क्वेश्चन आने लग गए जो पहले मेन में आते थे, अब ले वो डीआई में आपका कैसलेट हो, डाटा सफिशिएंसी हो, कंपैरिजंस हो। सो बच्चे उससे एक्वांटेड रहे कि क्या लेवल आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि डिफिकल्टी लेवल मेन वाला नहीं था। आप खुद देखेंगे जब मैं ये वीडियोज आपके सामने लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन जब सोल्व करूंगा आपको भी लगेगा कि डिफिकल्टी लेवल वो नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और अगर आपको स्क्रीन पे वो क्वेश्चन नजर आता है तो एक अनड्यू प्रेशर जनरेट होता है। सो जिन बच्चों का एग्जाम 7th और 8th जुलाई को है उनके लिए ये वीडियोस बड़े हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही जो आगे अपकमिंग एग्जाम्स हैं, वो भले ही आरआरबी की हो या आईबीपीएस की कोई दूसरी एग्जाम्स हो, उसमें भी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का पैटर्न अपने को देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का पैटर्न अगर आए तो बच्चे उससे सरप्राइज। चलो सेशन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये आज कंपैरिजन के 5 क्वेश्चन हैं। इसमें 2 क्वांटिटीज दी हुई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आपको कुछ में एक क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है, एक आपको निकालनी है, और कुछ में दोनों ही क्वांटिटी आपको निकाल के उनको कंपेयर करना है। पहला क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी फर्स्ट एक्स दे दिया, क्वांटिटी सेकेंड वाई दे दिया, और एक्स की वैल्यूज आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स की जो दो वैल्यूज निकलेंगी वो क्वांटिटी 1 है, और वाई का दे दिया वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। वाई की जो दो वैल्यूज निकलेंगे वो क्वांटिटी 2 है, उनको कंपेयर करना। तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है जो आप किया करते हैं। पहला आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हुआ, एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी। पहली जो बड़ी वैल्यू है वो आपकी माइनस आएगी और छोटी वैल्यू आएगी प्लस की। अगर ये साइंस वगैरह आपको आइडिया नहीं हो कैसे आया है तो प्लीज आप पे मेरा जो इसका क्वाड्रेटिक का एक बेसिक का वीडियो है वो देखिए, आप बिल्कुल आपके किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसमें अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1:6 हुआ। अब 6 के दो पार आगे फैक्टर में करूं तो 3:2, 3 और 2 है, उन दोनों का डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, वही आपको चाहिए। जब पहला साइन प्लस दूसरा माइनस होता है तो ये जो भी इसका एक्स या वाई का जो कोफिशियंट होता है ये दोनों फैक्टर्स को घट के आता है। तो 3 और 2 को घटाओगे 1 आ गया, तो डायरेक्ट आपका बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, छोटी होगी पॉजिटिव। तो 3 और 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है तो उसे डिवाइड करो नहीं करो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आपकी वैल्यू हो जाएगी। देन ये तो आ गया फर्स्ट, आपका फर्स्ट आ गया प्लस का 2 और माइनस की 3 दो वैल्यू। सेकंड अगर आप देखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस 12, तो इसमें दोनों आपके साइन प्लस है तो वाई की दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आएंगे, और वाई का जो कोफिशियंट 1 और कांस्टेंट 12, 1 और 12 का आप अगर देखोगे तो मल्टीपल मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ गया। 12 को 3 और 4 में आप फैक्टराइज आगे करते हैं तो 3 और 4 जुड़ के 7 आ रहे हैं। जब दोनों साइन प्लस होते हैं तो ये जो कोफिशेंट एक्स या वाई का जो होता है वो जुड़ के वो संख्या आनी चाहिए दोनों फैक्टर्स। तो 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7 आ गया, वैल्यू आपकी डायरेक्ट 1, 3 आ गई, 1, 4 आ गई, दोनों ही नेगेटिव आ गई। और वाई स्क्वायर का कोफिशेंट 1 है, उससे डिवाइड करोगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा। अब आप इनको कंपेयर कर लो, ये फर्स्ट लिख लिया आपने, ये सेकेंड लिख लिया। अब फर्स्ट है, अगर मैं -3 वैल्यू लेके चलूं तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वल हो गए, और -3 और -4 को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो -3 बड़ी है मतलब फर्स्ट बड़ा हो, +2 है तो +2 तो माइनस की दोनों ही वैल्यू से बड़ा हो गई होगा, तो इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपका क्या आ गया, फर्स्ट इज ग्रेटर और इक्वल्स टू सेकेंड। तो आप इसमें देख लीजिए फर्स्ट इज ग्रेटर और इक्वल्स टू सेकेंड, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है, एज इफिशियंसी इज 25% मोर देन बी, तो जिसकी कम है उसकी ले लिया करो इसमें। तो बी की अगर मैं बी की इफिशियंसी देखूं, बीज इफिशियंसी, तो बीज का लूं अगर कि ये 4 यूनिट पर डे वर्क करता है, 4 यूनिट पर डे कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 इसलिए माना क्योंकि ये 25% मोर ए है, तो 4 का 25% 1 हो जाएगा, 1/4
25% का मतलब 1/4, 1/4 ऑफ 4 1, तो 4 और 1 5, तो A की कितनी आ गई, एक एक की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट पर डे। तो ये दोनों आ गए आपको, ये 4 यूनिट पर डे काम करता है, ये 5 यूनिट करता है, और टोटल वर्क अगर मैं मान लूं 20 यूनिट, टोटल वर्क हो गया 20 यूनिट, 20 यूनिट को ही टोटल वर्क है। अब आप आइए क्वांटिटी फर्स्ट क्या कहती है आपको, क्वांटिटी फर्स्ट है x है कोई, या उसको x मानो या क्वांटिटी फर्स्ट ही मान लो, a कैन डू 5/6 ऑफ टोटल वर्क इन x दिन, मतलब क्वांटिटी 1 क्या है, a कैन डू कि 5/6 वर्क करने में जितना a टाइम लगाता है वो क्वांटिटी 1 है, 5/5/6 ऑफ टोटल वर्क, तो 5/6 कितना हो गया, 5/6 गुना टोटल वर्क कितना है 20 यूनिट, और इतना काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा, पर डे यूनिट कितनी है ए की 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 से 5 कट गया और ये 3 हो गया, ये 10 हो गया, 10/3, 3 से ही 1/3 दे, ये कितने दिन में कर देगा 5/6 काम, 3 से ही 1/3 दे। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड क्वांटिटी क्या है, बी कैन डू 4/5 ऑफ टोटल वर्क इन वाई डेज, और वाई ही सेकंड है, मतलब बी को जितना 4/5 काम करने में टाइम लगेगा, जितने दिन लगेंगे वो वैल्यू है सेकंड की, तो 4/5 4/5 इनटू 20 टोटल वर्क, तो ये तो आ गया, तो इतने यूनिट्स वर्क है, और वो बी कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 से 4 कट गया और 5 छोके 20, तो ये 4 दिन हो गए, मतलब बी कितने, बी जो है वो 4/5 वर्क कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। अब इसमें वैल्यू किसकी ज्यादा है, फर्स्ट 3 से 1/3 दिन है, सेकंड है वो 4 दिन है, क्या आ जाएगा, सेकंड फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकंड, फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकंड, तो क्वांटिटी फर्स्ट इज स्मॉलर देन क्वांटिटी सेकंड। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज s1, कोई 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्वांटिटी फर्स्ट आपको क्या कहती है, सम ऑफ सेकंड नंबर एंड 8 नंबर इज s1 एंड सम ऑफ थर्ड नंबर एंड 6 नंबर इज, क्वांटिटी वन और क्वांटिटी सेकंड कोई दे दिया आपको, 8 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो आप इसमें दो क्वांटिटीज का आपको कंपैरिजन करना है, तो इसमें आप कुछ भी मान लें बट माने कंसेक्यूटिव, तो अपन सबसे छोटे ही माने, अब ये मान लिया कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 ये 8 नंबर हो गए कंसेक्यूटिव। अब फर्स्ट में क्या दिया है, सम ऑफ सेकंड एंड 8, सेकंड कितना है 4 है, 8 है 16 है, तो ये आ गया सम दोनों का 20 हो गया, ये तो फर्स्ट की क्वांटिटी आ गई। सेकंड क्या कह रहा है, सम ऑफ थर्ड, थर्ड हो गया 6 एंड 6th, 6th हो गया 12, तो 6+12 ये हो गया 18। अब आपको ये दिख रहा है कौन सा बड़ा है, 20 ही बड़ा है 18 से, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर आप x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 भी मानेंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएगा, बट वो संख्याएं लिखने में आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप सीधा यही लिख लीजिए, क्योंकि सिर्फ कंपैरिजन है, आपको वैल्यूज नहीं निकालनी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई आप x, x प्लस 2, x प्लस 4 करके देख लीजिए, यही वैल्यू उसमें भी आएगी, मतलब यही क्वांटिटी जो फर्स्ट है वो ही बड़ी उसमें आएगी, सो आप वो नहीं करें, ये करें। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1500 आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे 12.5% का डिस्काउंट दिया है और ₹1500 में किसी चीज को बेची है, और क्वांटिटी वन आपको ₹550 दे दी, फर्स्ट की वैल्यू आपको 550 मिल गई, मतलब फर्स्ट आपको नहीं निकालनी है, और सेकेंड क्या है, मार्क प्राइस है। अब इस क्वेश्चन को आई थिंक पेन खोलने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, मार्क प्राइस कितनी होगी, 1500 से तो ज्यादा होगी भाई, 1500 आपकी सेल प्राइस है 1500, और मार्क प्राइस को अगर मैं 100% भी मानूं तो वो क्या कह रहा है कि 12.5% का डिस्काउंट है, इसका मतलब सेल प्राइस कितनी होगी, 87%, 100% में 12.5% घटाओगे 87%, और 87% की वैल्यू है 1500, और मार्क प्राइस है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1500 से तो ज्यादा ही होगी, 1700 होगी, 1750 होगी, जो भी होगी, तो आपको पता है कि मार्क प्राइस है वो 1500 से ज्यादा है, 1500 से ज्यादा है, इसका मतलब
साढ़े 500 से तो ज्यादा हो ही गई ना, तो सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट या फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकेंड, तो फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकेंड। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 5 सेकेंड का भी नहीं था, बी ऑप्शन आप टिक करें, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, इफ ए स्पीड ऑफ बोट इज 500% मोर देन द स्पीड ऑफ ए करंट। स्पीड बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, आपके एक बोट की स्पीड होती है, करंट की स्पीड होती है, करंट या धारा की जो भी गति होती है। जब आप डाउन स्ट्रीम में तैरते हैं तो धारा की गति आपको ऐड देती है, मतलब वो जुड़ जाती है, जो आपकी रिलेटिव स्पीड आप निकालेंगे तो वो क्या निकलेगी, दोनों का सम हो जाएगा, धारा और बोट, नाव की गति और धारा की गति दोनों जुड़ के आपका स्पीड बन जाएगी। और जब आप अपस्ट्रीम साइड में धारा के विरुद्ध तैर के जाएंगे तो वो आपके लिए समस्या खड़ी करेगी, जो धारा की गति है वो जो अल्टीमेटली जो रिलेटिव स्पीड आपकी बनी ना, वो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो अब अगर इसमें मैं देखूं, इफ स्पीड ऑफ बोट को मैंने एंड स्पीड ऑफ ए करंट, तो स्पीड ऑफ करंट x मान लेता हूं मैं, स्पीड ऑफ करंट कितनी होगी, x है, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी, वो क्या कह रहा है कि 500% मोर, तो मतलब जो x है वो तो है ही और 500% ऑफ x हो रहा है, ये जरूर ध्यान रख लेना। सीधा 500% कर दिया तो गड़बड़, 500% मोर, 500% अधिक है, मतलब जो है उससे 500% और, तो 500% का मतलब 5 गुना होगी, तो ये 6x होगी स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ बोट आपके पास आ गई। अब वो क्वांटिटी 1 तो आपको दी हुई है 15 किलोमीटर सेकंड, तो फर्स्ट आपसे निकलवाई है और आपको क्या दे दिया, इफ बोट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर इन 3 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस जितनी ट्रेवल की 63, जितने टाइम में की 3 घंटे में, तो 21 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, दोनों का सम, बोट का और करंट का, तो x प्लस 6x 7x, 7x की वैल्यू आ गई 21, तो आपके x की वैल्यू आ गई 3, x की 3 आ गई, तो स्पीड ऑफ करंट कितनी आ गई आपकी 3 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई 6 × 3 18 किलोमीटर पर, राइट। अब आपसे पूछा क्या आगे उसने, x इज द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो आपसे पूछी है और वही x है। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, दोनों का डिफरेंस बोट और करंट का, तो 6x माइनस x 5x, 5x इज इक्वल टू 5 × 3 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी आ गई 15 किलोमीटर पर आवर, ये तो आ गया फर्स्ट आपका, और सेकंड आपको उसने दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो गया, फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकंड, ये आपका ऑप्शन ई इज राइट। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, आपको सेशन अच्छा लगा हो, हमारा चैनल अच्छा लगा हो, और नहीं कर पाए हो सब्सक्राइब अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स रेगुलरली करते हैं, आपके कमेंट्स ही इम्प्रूवमेंट लाएंगे। अगर आपको किसी और वीडियो की नीड है प्लीज हमें लिखिए, हम आपको देने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस।